केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के बोकारो में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार ने सत्ता में आने पर 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन 4 साल और 10 महीने में कुछ नहीं किया। अब जब चुनाव नजदीक है तो वो विभिन्न योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। हमारे बच्चे आंखों में सपने लिए आबकारी कांस्टेबल के लिए दौड़ने गए, लेकिन उनकी माताओं को वो कफन में लिपटे हुए मिले। क्या माहौल लग रहा है? कल भी मैं यहीं था, झारखंड में ही। परिवर्तन यात्रा को जो समर्थन मिल रहा है वो हमारी कल्पना के बाहर है। मुझे तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पीछे है और जनता आगे है। परिवर्तन के लिए जनता हमसे ज्यादा तैयार है, ये लगता है। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ, इस सरकार ने 5 साल जो वादा खिलाफी की है वो एक मुद्दा है, क्योंकि एक भी वादा पूरा, अब आप देखिए, 2000 रुपये चूल्हा खर्च के लिए कहा था, अगर 5 साल में देते तो 1,20,000 एक बहन को मिलना चाहिए था। इनने 4 साल 10 महीने नहीं दिए, आखिर के 2 महीने 1,000 रुपया, ये क्या है? टुकड़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं, बहनों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। 1,18,000 का क्या होगा? जनता ये जानती है। इस समय बच्चों को दौड़ाना चाहिए क्या? 5 साल तक क्या कर रहे थे तुम? कांस्टेबल की वर्दी पहन के बेटा आएगा, मैं ये सपने संजो के बैठी थी, कांस्टेबल की वर्दी नहीं मिली, कफन ओढ़ के आए बच्चे। ये केवल वोट के लिए दौड़ा रहा है। इंटरनेट बंद किया जाता है, बात पेपर लीक होती है, फिर भी पेपर लीक होते हैं। ये जेएमएम थोड़ी पेपर लीक मोर्चा है। राज्य की मैया सम्मान योजना का जिक्र करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो सहायता राशि दोगुनी कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी वादा किया कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार में 2.87 लाख रिक्त पदों को भरा जाएगा। ये रोजगार की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ आज भारतीय जनता पार्टी 2,87,400 से ज्यादा पद खाली पड़े, पहली कैबिनेट में फैसला करेगी भरने का। और ये महिलाओं को अभी 1,000 रुपया पकड़ा रहे, ये हमारी सरकार देख लीजिए, मैंने बनाई लाडली बहना योजना, मध्य प्रदेश में कब से पैसे मिल रहे हैं, महाराष्ट्र में लाड़की बहना बनी कब से पैसे मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमने सरकार बनाई पैसा खातों में तब से डालना शुरू कर दिया, उड़ीसा में हम पैसे डाल रहे हैं। इनसे दुगने पैसे बहनों के खाते में हम डालेंगे, हम योजना घोषित करने वाले हैं। और वो बच्चे जो नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं और अपने प्राणों से हाथ धो रहे हैं, बीए एमए करने के बाद 2 साल तक परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए उनके खाते में हम राशि डालेंगे, उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं कहेंगे, रोजगार के लिए वो प्रयत्न कर सके इसके लिए हम पैसे देंगे। कई तरह की चीजें हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार से जनता बुरी तरह से त्रस्त है, जनता त्रस्त है और अपराधी मस्त है, उनके हौसले बढ़े हुए इसलिए खुल के खेल रहे हैं, नोटों के पहाड़ बरामद हुए हैं उसे, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि परिवर्तन यात्रा में जनता परिवर्तन का मूड बना। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 सितंबर को परिवर्तन यात्रा शुरू की। ये 24 जिलों के 81 विधानसभा क्षेत्रों में 5,400 किलोमीटर की यात्रा करेगी और 2 अक्टूबर को समाप्त होगी। इस कार्यक्रम में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित बीजेपी के लगभग 50 वरिष्ठ नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।